हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रंजन राज। आज का हमारा टॉपिक है 10 डेज रूल। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, यानी कि गर्भवती महिलाएं, उसके लिए, साथ ही जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से स्टूडेंट हैं उसके लिए। क्योंकि अभी जो है जितने भी भाईवा हो रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि 10 डेज रूल क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 डेज रूल। प्रेग्नेंट लेडी यानी कि गर्भवती महिला का जो चाइल्ड बियरिंग एज होता है, इसके दौरान पेल्विस और एब्डोमेन का एक्सरे नहीं करवाना चाहिए। अगर आप करवा रहे हैं एक्सरे, नहीं पता है कि एक्सरे क्या हार्मफुल है या नहीं है, तो इससे जो डेवलपिंग फेटस होता है उस पर काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप सब याद रखें कि चाइल्ड बियरिंग एज में एक्सरे को एब्डोमेन और पेल्विस वाले पार्ट से अवॉइड करें, इन दोनों पार्ट का एक्सरे नहीं करवाएं। यदि इमरजेंसी सिचुएशन है, ऐसा कंडीशन है कि हम अगर एक्सरे नहीं करवाएं तो डायग्नोस नहीं हो सकता है, तो एक ऑप्शंस है कि अगर आप पेशेंट का मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट है तो फर्स्ट 10 डेज के अंदर आप एक्सरे कर सकते हैं या एक्सरे करवा सकते हैं। यही कहलाता है 10 डेज रूल, क्योंकि फर्स्ट 10 डेज के अंदर डेवलपिंग फिटस जो होता है उसे कम हानि होने की संभावना होती है। क्योंकि इन 10 दिनों में गर्भधारण की संभावना कम होती है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे कि नोटिफिकेशन आती रहे।